एक उम्र के बाद ना हर लड़की को पीरियड्स आते हैं, 12 से 13 साल से शुरू होकर 50-55 साल तक हर महीने पीरियड्स आते हैं, और हर महीने 4 से 5 दिन या एक हफ्ते भी कुछ लड़कियों को पीरियड्स होते हैं। तो आप सोच सकते हो कितने दिन या फिर मैं कहूँ कितने साल एक औरत पीरियड्स में गुजारती है। इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हुए भी हम पीरियड्स के बारे में खुल के बात नहीं करते। आज भी हमारे इंडिया में पीरियड्स के बारे में बात करना बहुत ही बुरा माना जाता है, और पीरियड्स को भी बहुत बुरा माना जाता है। और अगर बात करें सैनिटरी पैड खरीदने की, तो एक लड़की सैनिटरी पैड खरीदने जाना ही नहीं चाहती है, और अगर आप चले भी गए तो शॉपकीपर या फिर केमिस्ट भैया जो होते हैं वो आपको पेपर में रोल करके ब्लैक पन्नी में ऐसे देंगे सैनिटरी पैड की पता नहीं क्या ही खरीद लिया है आपने। इसी शरम वाले माहौल में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं चलती जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 5 डिफरेंट टाइप के पैड्स के बारे में बताऊंगी जो हर लड़की के पास होना चाहिए या जिसकी नॉलेज हर लड़की को होनी चाहिए ताकि वो और बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सके। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैं रिसेंटली गई थी स्मार्ट बाजार और मैं अपने लिए सैनिटरी पैड ले रही थी। तो मैं कई तरह के पैड्स लेती हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग के दिनों में जब हैवी फ्लो हो रहा है तब मैं कौन से पैड्स यूज़ करूँगी, उसके बाद तीसरे चौथे दिन में जब फ्लो कम हो जाएगा तब मुझे क्या यूज़ करना है, लास्ट के दिनों में क्या यूज़ करना है। इसके अलावा जब कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है ना, पीरियड्स ऐसे लगता है आने वाले हैं बट नहीं पता आएंगे या नहीं आएंगे, उस टाइम के लिए अलग खरीदती हूँ। तो जब मैं इतनी सारी वैरायटी के खरीदने लगी तो कुछ फीमेल्स मुझसे पूछने लगी कि ये सारे डिफरेंट वैरायटी के आप क्यों ले रही हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए मुझे और सारी फीमेल्स को अवेयर कराना चाहिए। अगर आप बॉय भी हो, मेन हो, तो भी आप इस वीडियो को देखो, सो दैट आप अपने घर की फीमेल्स को हेल्प कर सको कि भाई सैनिटरी पैड में भी वैरायटीज होती हैं और आपकी जो दिक्कतें हैं उनके लिए बहुत तरह के पैड्स बने हुए हैं। किसी को बहुत हैवी फ्लो होता है तो उनको बहुत जल्दी पैड चेंज करने पड़ते हैं, इवन स्टेन भी लग जाते हैं आपके कपड़ों में या आपके बेडशीट में, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा बुरा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये इतना छोटा था, ये देख रहे मेरे फिंगर के साइज का ये पैड है। ये होते हैं पैंटी लाइनर्स, इन्हें आप वाइड डिस्चार्ज के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखो ये इतने से होते हैं, मतलब कि मेरे हाथ के साइज के भी नहीं है, उससे थोड़े छोटे ही हैं। ठीक है, तो ये होते हैं पैंटी लाइनर्स, छोटे से साइज के होते हैं और इसके पीछे जो होता है वो ग्लू होता है, स्टिकी होते हैं ये, तो इसको आप अपनी पैंटी में चिपका सकते हो। और ये आप पीरियड से पहले वाइट डिस्चार्ज जब आपको होता है तब आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, या फिर आप इसको अगर आपको डाउट है कि पीरियड्स आएगा नहीं आएगा आज, तो भी आप सेफ्टी के तौर पे इसको आप ले सकते हो ताकि आपका जो पैंटी है वो गंदा ना हो। ओके, ये हो गए पैंटी लाइनर, ये हर लड़की के पास होने चाहिए मुझे ऐसा लगता है, और ये ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं तो आप एक पैंटी लाइनर का पैक जरूर अपने घर पे खरीद के रख लेना। इसके बाद आते हैं ये रेगुलर वाले पैड, ठीक है, इनसे तो हम सभी अवेयर हैं। ये रेगुलर वाले पैड जो हमारे हाथों से थोड़े से लंबे होते हैं, इसमें साइजेस आते हैं, ठीक है, ये रेगुलर पैड है, इसमें एक्सेल भी आता है जो इससे थोड़ा सा और लंबा होता है। ये आप जब आपका फ्लो कम है तब यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये छोटे साइज़ के होते हैं तो इसमें स्टेन लगने का काफ़ी डर होता है। तो इसको आप खरीद के ले सकते हो तीसरे चौथे पांचवें दिन के लिए, जब एकदम से ब्लड कम आ रहा होता है, बट अगर आप बड़े वाले पैड लोगे तो उससे रैसेस होने का आपको टेंशन रहता है, उस टाइम के लिए ये रेगुलर पैड बहुत अच्छे होते हैं। एक रेगुलर पैड का पैकेट आप ज़रूर खरीदा करो। लास्ट में मैं इसकी फ़ायदे भी बताऊंगी कि इतने सारे पैड खरीदने के फ़ायदे क्या हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे खरीद के पैसे क्यों वेस्ट करने, बट इससे पैसे वेस्ट नहीं होंगे, आप पैसे बचा रहे हो एक्चुअली। ये रेगुलर पैड्स आपको रखने चाहिए। इसके अलावा देखो, जो मैं बात कर रही थी, ये एक्सेल पैड होते हैं, ये थोड़े से बड़े होते हैं, उससे कुछ लोगों को तीसरे चौथे दिन भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है फ्लो ब्लड
या फिर स्टेन्स लग जाते हैं बैक साइड में, तो ये रेगुलर पैड से थोड़े से, ये देखिए इतने लंबे होते हैं, ये देख रहे हैं रेगुलर पैड यहाँ तक है और ये इतना, मतलब ये इतना बड़ा है। सो इसको आप लेके रख सकते हो घर में। इसके अलावा आते हैं ऑल नाइट प्रोटेक्शन, मतलब कि नाइट के टाइम पे जो आप पैड यूज़ करोगे, क्योंकि रात में हम कैसे भी सोएंगे तो फिर दाग लगने का बहुत डर रहता है, एक स्टेन लगने का, तो ये ऑल नाइट प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये नीचे से चौड़ा होता है और लंबाई भी इसकी ज़्यादा होती है ताकि आपको स्टेन ना लगे सोते वक्त और पूरी रात आप सेफ रहें। ये आपके जो एक्सल पैड हैं उनसे भी लंबा होता है, ये देखिए ये है आपका एक्सल पैड और ये है आपका ऑल नाइट प्रोटेक्शन वाला पैड और ये है आपका रेगुलर पैड और ये है पैंटी लाइनर। तो अभी आपको डिफरेंट साफ नज़र आ रहा होगा कौन कितना बड़ा छोटा है, ठीक है। तो ये चार तरह के पैड मुझे लगता है हर फीमेल को लेने चाहिए। अब ये आपके पैसों को बताता है, देखिए अगर आप ये बड़े वाले पैड लेते तो ये महंगे आते हैं, ठीक है, और ये रेगुलर वाले जो पैड होते हैं ना वो बहुत सस्ते होते हैं और पैंटी लाइनर इससे भी सस्ते होते हैं। तो अगर आप सिर्फ महंगे वाले पैड यूज़ कर रहे हो तो आप बहुत सारे पैसे अपने वेस्ट कर रहे हो। इसके अलावा जब आपको जिस पैड की ज़रूरत है तब आप यूज़ करो तो हर पैड आपके कम यूज़ होंगे, मतलब कि ये जो महंगे वाले पैड हैं ये सिर्फ आप नाइट में यूज़ कर रहे हो दो तीन दिन, तो एक महीने में आपके ये तीन ही पैड ख़त्म हुए। तो इस तरह से आप पैसे भी बचाओगे, अपने आप को सुरक्षित भी रखोगे, कंफर्टेबल भी रखोगे। इसके अलावा इन पैड्स को जब हैवी फ्लो है तब आप लोगे तो बहुत सही रहते हैं, बट अगर आपका फ्लो कम हो रहा है, ब्लड कम आ रहा है, तब अगर आपने इसको लगाया तो आपको साइड साइड में रैशेज भी हो सकते हैं। तो इसलिए हर तरह के पैड्स आपके पास होने चाहिए, फ्लो के हिसाब से आप को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, वो है ये पैड, देख रहे हो कितना बड़ा है। सो ये होते हैं मैटरनिटी पैड, यानी कि जब एक फीमेल माँ बनती है उसके बाद आपको ये पैड यूज़ करने चाहिए। ये 150 या 160 रुपए का पूरा पैकेट आता है, उसमें 5 पैड होते हैं। सो ये 2 पैकेट आप खरीद लो, प्रेगनेंसी के बाद आपका जो पीरियड्स आता है 3-4 दिन जो हैवी फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, नॉर्मल कोई भी पैड उसको कंट्रोल नहीं कर सकता फिर, और आप लेटे रहते हो, आप दर्द में रहते हो तो बार बार उठ के चेंज करना बहुत प्रॉब्लम होती है। सो उसके लिए ये पैड आते हैं। सो ये काफ़ी बड़ा है, ये देखो मेरे आधे हाथ से भी बड़ा है ये, और वाइड भी काफ़ी है, काफ़ी चौड़ा होता है। पीछे इसमें भी स्टिक करने के लिए स्टिकी पार्ट होता है, उसको आप अपनी पैंटी में स्टिक कर सकते हो। एंड ये आपके आफ्टर डिलीवरी बहुत अच्छा वर्क करता है। सो इसकी नॉलेज सभी फीमेल्स को ज़रूर होनी चाहिए। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के बाद आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में या घर पे। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी, सभी के साथ वीडियो को शेयर करिए। एंड कोई भी और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चैनल पर नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।